पुलिस सप्ताह के अवसर पर रोहटा थाना एवं अनगढ़ थाना परिसर में चित्रकारी और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य बच्चों के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना और पुलिस पब्लिक के बीच बेहतरीन तालमेल कायम करना था। इस दौरान सभी विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड विकास प्राधिकारी रणधीर कुमार ने भी सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। अजी सुनते हो? बोलो क्या हुआ? आपने तो कहा था लो भाई आ गए जंगल। इतना बड़ा जंगल क्यों कटवा रहे हैं? हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब, जितना अधिक पेड़ काटेंगे उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। चलो पेड़ काटें, चलो। मेडल ले लीजिए। अब वाद विवाद प्रतियोगिता में अध्यापकों से, जो कि इस प्रोग्राम में पुलिस सप्ताह को सफल बनाने में जो सहयोग दिया है, मैं उनसे तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं काफ़ी खुश हूं कि यहां का जो एजुकेशन दिया जा रहा है, इस क्षेत्र में एजुकेशन की बहुत कमी है, लेकिन जो आप लोगों ने जो सराहनीय प्रयास किया है, आज उस बच्चों के परफॉर्मेंस से हमें उसमें एहसास हुआ कि नहीं, अभी अब हमारा जो है रोहटा प्रखंड जो है सही दिशा में जा रहा है। इसमें शिक्षकों की काफ़ी भूमिका है, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस सप्ताह के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए जो भी बातें हैं वीडियो साहब ने कह दिया और काफी सहयोग किया वीडियो साहब ने हमें इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। केवल मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि वो पढ़ाई का टेंशन नहीं ले। अगर हमें जल के बारे में कहीं बोलना हो, उसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सुबह उठते हैं और हमारा जो पहला दिनचर्या शुरू होता है उसमें जल की भूमिका रहती है। सुबह हम उठते हैं, मुंह धोते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, स्नान करते हैं, स्कूल जाते हैं, टिफिन खाते हैं, तो हमें हमेशा पानी पीना पड़ता है। बस पढ़ाई के लिए जो हम जो एक मानव मस्तिष्क है, केवल हम उसको कड़ियों में जोड़कर एक सुंदर सा बना सकते हैं उसे हम, कि चलो भाई इस जल को महत्व क्या है, इसके लिए बताने की क्या जरूरत है। हम तो रोज उसको देखते हैं। आप लोगों ने काफी अच्छी सीख हमें दी, आप लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला, चाहे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया, अपने आप को वृक्ष बना कर कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो आपने हमें प्रेरणा दी, हम आपसे सीखते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को पुनः दिल से धन्यवाद दिया।